हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जायका हैकर। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ा देसी स्टाइल में। ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची बनके तैयार होते हैं। इन्हें घर पे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आलू ले लीजिए। आलू लेके इनको हमने छील के वॉश कर लिया है। अब हम इनकी स्लाइसेस काटेंगे। सबकी स्लाइस हमने काट ली हैं और अब हम इनको स्टिक्स के फॉर्म में काटेंगे। 1 सेंटीमीटर चौड़ी लगभग हमने इसकी स्टिक्स काटी हैं। आलू आप लंबाई में लीजिएगा तो ये स्टिक भी लंबी कटेंगी, तो ये बनके थोड़ा सा और भी अच्छी लगेंगी। अब इनको हमें नॉर्मल पानी में डाल के 3 बार वॉश कर लेना है। वॉश करने से जितना भी इसका स्टार्च होगा वो अच्छे से सारा निकल जाएगा। इनको अब हमने यहाँ 3 पानी से वॉश कर लिया है। अब हम गैस पे एक दूसरा पैन चढ़ाएंगे, उसमें हमने 1.5 कप पानी डाला है और इसको हमने गरम करने के लिए इस पे रख दिया है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मगर फूड कलर से जो है इसका जो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होंगे उनका कलर बहुत अट्रैक्टिव आ जाता है। अब हम इसमें सारी स्टिक्स जो हैं पोटैटो स्टिक्स वो डाल देंगे। और डालने के बाद में जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और 2 मिनट के बाद हम ये देखिए आलूओं का कलर कितना बढ़िया इस पर चढ़ गया है। और हमने इनको 2 मिनट इसमें डालने के बाद स्ट्रेनर में निकाल के सारा पानी ड्रेन कर दिया है। यहाँ पर हमने फोक से भी इसको चेक कर लिया है, हमें जितने आलू चाहिए थे 50% ही गले हैं। अब हम इनको यहाँ पर एक थाली में निकाल के रख लेंगे। ये आलू जो हैं गीले हैं, थोड़ी स्टिक्स ये गीली हैं, तो हम इनके ऊपर एक कोटिंग लगाएंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून बेसन, ये हम दोनों चीज़ें इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर हम इनको धीरे धीरे हाथों से मल मल के इनके ऊपर ये कोटिंग चढ़ा देंगे ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। इस कोटिंग की वजह से ये फ्राइज़ बहुत ही और डबल मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और जो कि चाट मसाला इसमें पड़ा है इसकी वजह से चटपटे भी लगते हैं। आप इनको बिना चटनी और सॉस के भी खाएंगे तब भी ये टेस्टी लगेंगे। ये देखिए ये पतली सी कोटिंग एक चढ़ गई है इसके ऊपर। अब हम गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें तेल डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बस इतना डालना है कि आपके जितने भी फ्राइज़ हैं वो आधे आधे उसमें डूब जाएं। और गर्म होने के बाद हमने सारे फ्राइज़ इसमें बिछा दिए हैं। गैस की फ्लेम को अभी हम हाई रखेंगे। अब हम इसको धीरे धीरे किसी भी कलछी की मदद से इसको हम धीरे धीरे पलटेंगे। और पलटने के टाइम पे हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। यहाँ पर ये सारे फ्रेंच फ्राइज़ हमने इनको पलट लिया है। और पलटने के बाद लास्ट में एक बार फिर से गैस की फ्लेम को 1 मिनट के लिए हाई करके और इनको एक डीप फ्राई दे देंगे ताकि ये बहुत क्रिस्पी हो जाए। अब हमने इनको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लिया है ताकि इनका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल है वो सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और अब इनको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बन के रेडी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हैं एकदम, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले। और आलू भी एकदम अंदर से गल गए हैं, ये देखिए। और अब आप इनको सॉस जो भी आपका मन करता है सॉस चटनी उनके साथ में इनको खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बच्चों को तो बहुत ही घर में पसंद आते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।